बेगूसराय की राजनीति इस बार त्रिकोणीय है। यहां बीजेपी की ओर से गिरिराज सिंह, सीपीआई की ओर से कन्हैया कुमार और आरजेडी की ओर से टिकट तनवीर हसन को मिला। इन दोनों की किस्मत का फैसला फिलहाल बेगूसराय की जनता कर रही है, जहां वोटिंग जारी है। ऐसे में अभी फिलहाल कौन किस पर भारी पड़ता दिख रहा है, चलिए आपको बताते हैं। फिलहाल बेगूसराय के बीहट में जनता के बीच जो जोश है उस पर बात करते हैं। बीहट कन्हैया कुमार का गांव है, वो वहीं पर रहते हैं, मतदान के लिए खुद भी लाइन में खड़े थे। गौरव के कन्हैया कुमार बीहट के बीच वोटिंग बूथ पर पहुंचे। उस वोटिंग बूथ पर बाकियों की अपेक्षा सबसे ज्यादा भीड़ दिखाई दी है और उससे भी ज्यादा खास बात यह है कि बूथ पर एक के बाद एक कन्हैया कुमार के लिए नारे जनता द्वारा लगाए गए हैं। भूमियार बहुल क्षेत्र में इस बार जाति के नाम पर राजनीति करने का कोई स्कोप नहीं रहा, क्योंकि दोनों उम्मीदवार एक ही जात से ताल्लुक रखते हैं। भूमियार वर्सेस भूमियार की टक्कर बेगूसराय की जमी पर है और इन सब के बीच यहां ध्रुवीकरण की राजनीति पर फिलहाल कन्हैया कुमार गिरिराज को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक जितने भी लोगों से बूथ पर बातचीत की गई है, सब कन्हैया की जीत को पक्का बता रहे हैं। बता दें आपको, कन्हैया के प्रचार को कई बॉलीवुड सितारों का समर्थन भी मिला और कहीं ना कहीं ये उसी का नतीजा है कि आज बेगूसराय में कन्हैया कुमार पूरी तरह से छा गए हैं। SPN 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।